तूफान की। पिछले कई दिनों से कई राज्यों में तबाही के बाद तूफान का खतरा भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज तूफान की आशंका जताई है और यहां बताएं कि दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी तूफान की आशंका है। बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी तूफान का असर दिखेगा। कल भी यूपी के कई इलाकों में तेज हवाएं चली थी। फिरोजाबाद में तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर भी आई, यानी कि मौत यहां पर 3 लोगों की हो गई है तूफान से। और आज भी तूफान की आशंका कई जगहों पर जाहिर की जा रही है। तो इन 2 दिनों में 3 लोगों की जान गई है श्रीन, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार तूफान ने जिस तरह से तो 5 तस्वीरें इस वक्त कंचन टीवी स्क्रीन पर हैं। फिरोजाबाद, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर और मुरैना की ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी पिछले दिनों में सिर्फ 3 लोगों की जान गई है, लेकिन उससे पहले कुल मिलाकर 150 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है आंधी तूफान और भीषण बारिश में। तो आंधी और तूफान से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, मंडरा रहा है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से आशंका व्यक्त की गई है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का।